380 सीटों पर अब तक हुए चुनाव। शाह ने कहा, मोदी जी 270 सीटें जीत चुके हैं और बीजेपी बहुमत हासिल कर चुकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्या कुछ कहा गया गृह मंत्री की तरफ से। उन्होंने कहा कि अब चुनाव 400 पार का हो रहा है। पश्चिम बंगाल के बनगांव में रैली में उनकी तरफ से यह बड़ा दावा किया गया है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा दावा किया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अब तक तो मोदी जी 270 सीटें जीत चुके हैं, 380 सीटों पर अब तक चुनाव हुए। चार चरण पूरे हो गए हैं, 380 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। बंगाल में 80 सीटों का चुनाव पूरा हो, 18 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। आज मैं बताकर जाता हूं, ये 380 सीट में मोदी जी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं और आगे की लड़ाई 400 पार करने की है। न्यूज 18 से बातचीत में अमित शाह बोले, राहुल सिर्फ मुस्लिमों के हक की बात करते हैं, पीएम हर समाज की बात करते हैं, राहुल पिछड़ों का हक छीनना चाहते हैं। अमित शाह ने बात कही, राहुल सबका हक छीनकर मुस्लिमों को देना चाहते हैं, पीएम सबको बराबर हक देने की बात करते हैं, तुष्टीकरण कर वोट बैंक तैयार करना चाहते हैं राहुल। सीधा सवाल लोगों के मन में है, एक सीधा सवाल हम पूछना चाहेंगे, मुस्लिम भाई बहन भी हमारे भारत के रहवासी है, अगर कांग्रेस मुस्लिमों को खुश करना चाहती है तो उसमें बुरा क्या है? उसमें बुराई कुछ नहीं है, केवल मुस्लिमों का नहीं कर सकते। मोदी जी ने हर घर में पानी भेजा, गैस भेजा, बिजली भेजी, घर दिया, 5 लाख तक का बीमा दिया, अनाज दे रहे हैं, जो सभी को दे रहे हैं, मुसलमानों को ही मिल रहा है। मगर ये वोट बैंक क्रिएट करने के लिए एपीसमेंट की बात कर रहे हैं और इससे और किसी को अन्याय कर उनको देने की बात है, इसका विरोध है।